आज की रेसिपी मसाला भेज पुलाव की है, जिसे तहरी भी कहते हैं। काफी इजी, क्विक और न्यूट्रिशियस रेसिपी है। ये तहरी की ऐसी रेसिपी है जो कोई भी काफी आसानी से बना सकता है। चावल का एक एक दाना खिला खिला और खुला खुला बनेगा। सब्जियां भी गल कर टूटेंगी नहीं, बल्कि परफेक्टली पकेंगी। साथ ही एक मिक्स भेज रायता की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो इसके साथ परफेक्ट कॉम्बिनेशन रहेगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर और आपके अपने चैनल टेस्ट ऑफ इंडिया को सब्सक्राइब जरूर से करें। साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सकेगी। मिक्स वेज पुलाव को बनाने के लिए एक बर्तन में एक ग्लास पानी को गर्म होने के लिए रखा है मैंने, और ये एक कटोरी सोयाबीन की बड़ियां ली है। आधा चम्मच नमक भी डालें और तेज आंच पर इनमें दो उबाल आने तक उबाल लेना है। उबाल आ रहा है, साथ में झाग भी आ रहा है। आंच बंद कर दें। सोयाबीन की बढ़िया उबलने पर थोड़ी फूल जाती हैं और नमक इसमें हल्का चला जाता है। अब इसे एक छन्नी से छानकर गर्म पानी से हटा कर रखें, और नॉर्मल टेम्परेचर के पानी में डालकर रखा है मैंने, जिससे इसका टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाएगा। पानी थोड़ा ठंडा हो चुका है तो हल्के हाथों से निचोड़ते हुए सारी बड़ियों को पानी से निकालकर अलग रख लें। बस इतनी ही तैयारी इसमें करनी थी। आगे की प्रोसेस काफ़ी आसान है। एक प्रेशर कुकर को आंच पर चढ़ाया मैंने, और इसमें 2 से 3 चम्मच तेल डालें। इससे ज़्यादा तेल की इसमें आवश्यकता नहीं है। 1 टेबल स्पून साबुत जीरा और कुछ खड़े मसाले डालने हैं, जैसे तेज पत्ता, छोटी और बड़ी इलायची को खोल कर डाला है मैंने, लाल मिर्च, लौंग, एक फूल चक्री ली है, इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है, जरूर से डालें, जावित्री और दालचीनी का टुकड़ा डाला है। भेज पुलाव में इस तरीके से खड़े मसाले जरूर से डालें, इसका फ्लेवर काफी अच्छा आता है। अब एक मीडियम साइज के प्याज को पतला और लंबे स्लाइसेस में कट करके डाला है मैंने, और इन्हें पिंक होने तक फ्राई करें। साथ में कुछ फूल गोभी ली है मैंने और इन्हें बड़े पीसेस में कट कर लिया है। इन्हें डालने के बाद गाजर और बीन्स जैसी सब्जियों को डालें। छोटे पीसेस में यानी स्क्वायर शेप में कट किया हुआ गाजर और लंबे टुकड़ों में कट किया हुआ फ्रेंच बीन्स डाला है मैंने। इस तरीके से कट करेंगे तो देखने में अच्छा लगेगा। चाहे तो कुछ और सब्जियों का इस्तेमाल, जो आपको पसंद हो या आपके पास अवेलेबल हो, कर सकते हैं। तेज आंच पर सब्जियों को फ्राई करें, और इसमें अभी नमक का इस्तेमाल ना करें, नहीं तो सब्जियां गल कर टूटने लगती हैं। उबाल कर निचोड़ कर रखी हुई सोयाबीन की बड़ियों को डालें और मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही 2 से 3 मिनट तक इन्हें फ्राई करना है, जिससे सब्जियों में एक सोंधापन आता है। अब लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून डालें। लहसुन अदरक को प्याज के साथ मैंने फ्राई नहीं किया, नहीं तो ज्यादा फ्राई होने पर इसका स्वाद जल कर खत्म हो जाता है, इसलिए इसी स्टेज पर इसे डालें और इसका कच्चापन निकलने तक फ्राई करें। खुशबू आ रही है लहसुन अदरक के फ्राई होने से, तो यहाँ पर इसे 1 मिनट और फ्राई करें। इसके बाद इसमें कुछ पाउडर्ड मसाले डालने हैं, जैसे मैंने डाला है हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर। इन सब मसालों को मीडियम टू लो फ्लेम पर ही इस तरीके से फ्राई करें। एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालना है, जिससे इसका स्वाद काफी बढ़ जाएगा। मैंने 1 टेबल स्पून देसी घी डाला है यहाँ पर। इससे मसाले को फ्राई करने में तो आसानी होगी ही, अरोमा अच्छा होगा, और सब्जियों में भी घी के साथ और मसालों के साथ फ्राई करने से फ्लेवर काफी बढ़ जाएगा। वैसे ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है। मसाला तले को छोड़ रहा है तो फ्राई होकर रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर चावल डालना है, तो मैंने 1 कटोरी चावल को धोकर रखा था, भिगोया नहीं है, डायरेक्ट धोकर पानी से निकाल कर रखा था। इसे यहाँ पर डाल दें और तेज आंच पर 3 से 4 मिनट के लिए इसे भूनना है, जिससे चावल काफी खुला खुला बनता है। पुलाव में चावल को फ्राई करके ही बनाते हैं। मटर डालें यहाँ पर, इससे मटर का कलर चेंज नहीं होगा। पहले डालने से मटर का कलर चेंज हो जाता है। 2 मिनट चावल को और फ्राई कर ले तो चावल बिल्कुल व्हाइट कलर का दिख रहा है, इसका मतलब अच्छे से फ्राई हो चुका है।
फटाफट से रेडी हो चुका है फ्राई होकर। तो यहाँ पर दो कटोरी पानी लिया है मैंने, गर्म पानी है। एक कटोरी चावल के लिए दो कटोरी पानी ले और चावल और सब्जियों के अनुसार नमक अब डालें। इससे सब्जियाँ बिल्कुल परफेक्टली पकेंगी और गलेंगी नहीं। गरम मसाला पाउडर डालकर बारीक कटी धनिया पत्ती डालें और एक उबाल आने दें, मिक्स कर लें। अब लिड लगाकर तेज आंच पर एक विसल आने का वेट कर लें। एक विसल आ चुकी है तो आंच बंद कर दें और खुद से स्टीम निकलने का वेट करें। तब तक फटाफट से एक मिक्स वेज रायता की प्रिपरेशन कर ले। इसके लिए गाढ़ा दही ले। इस दही में पसंद के अनुसार चीनी का पाउडर, काला नमक, भुने हुए जीरे का पाउडर, रायता मसाला, अगर ये ना हो तो चाट मसाला पाउडर ही डालें। इन्हें फोर्क की सहायता से या तो हैंड विस से अच्छी तरीके से मिक्स कर ले, पर मिक्सी में ब्लेंड ना करें। बारीक कटी पुदीने की पत्तियां डालें, मिक्स कर ले और 15 से 20 मिनट फ्रिज में रेस्ट होने रखें। अब एक कटोरी में बारीक कटी खीरा, बारीक कटे टमाटर के टुकड़े, बारीक कटी प्याज और पसंद के अनुसार बारीक कटी हरी मिर्च ले और एक कटोरी में ठंडा करके रखा हुआ दही का रायता वाला मसाला ले। साथ ही जितना रायता एक बार बनाना हो उतना ही सब्जियों को डालें और मिक्स कर ले। एक बार में ज्यादा बनाकर ना रखें, नहीं तो पानी छोड़ देता है। लाल मिर्च पाउडर और भुने हुए जीरे का पाउडर डालकर पुदीने की पत्तियों से गार्निश करें। कुकर का स्टीम खुद से निकल चुका है तो लिड हटाकर चेक कर लें। चावल का एक एक दाना खुला खुला और खिला खिला बना, यानी कि आपस में चिपका नहीं है और अच्छी तरीके से पक भी गया है। सब्जियां भी देखें तो टूटी नहीं है और काफी टेस्टी लग रही है। होलसम, हेल्दी और टेस्टी मील है। तो आप भी बताए हुए सारे टिप्स को फॉलो करते हुए दोनों रेसिपीज को बनाएं और अपने एक्सपीरियंसेस कमेंट बॉक्स में जरूर से शेयर करें।